तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आज से मेरे कॉलेज के मेन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं शायद से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब वीडियो में चलो आगे बढ़ते। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा तो शाओ चेंग था मेन कैरेक्टर पर चिल्ला रहा था और यहाँ पे पैसों की गर्वी बता रहा था। यहाँ पे जीजी कहती है शाओ चेंग तुम तो अब ऐसे तो अपना मुंह बंद रखते हो और यहाँ पे तुमको पैसों की तो कोई परवाह नहीं, आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आज अपना पैसा क्यों दिखा रहे हो और यहाँ पे तुम अपनी आइडेंटिटी से क्या प्रूफ करना चाहते हो। वो सुन के शाओ चेंग कहता है कि हाँ यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी औकात बतानी चाहिए और यहाँ पे कुमाओ कहाँ पे हो उसको यहाँ पे पता चलना चाहिए, हर वक्त तो यहाँ पे कोई वाइट स्पन नहीं हो सकता। और यहाँ अपना मैन कैरेक्टर नीचे झुक के वो कार्ड ले लेता है और यहाँ पे जीजी अपने मन में सोचती है और यहाँ पे शाओ चेंग कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था, इसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा ही है और यहाँ पे उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अपना मैन कैरेक्टर जो कार्ड था उसके जेब में रख देता है और कहता है ये तुम्हारे पापा की खून पसीने की कमाई है, तुम इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तुमको लगता है तुम इतनी आसानी से इसको वेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है इसको यहाँ पे खर्च करने के लिए। और यहाँ पे जो अंकल आंटी होती है वो भी एग्री करते हुए वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है मैं यहाँ पे उसको सबके सामने बेइज्जती करना चाहता था पर यहाँ पे सारा का सारा ब्लेम मेरे पे आ गया और यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो रही है, ताकि अपने लक को इतना ज़्यादा पुश मत करो, मैं यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरे साल भर भी वैल्यू $30 बिलियन है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम मुझे यहाँ पे दिखा सकते हो। कहता है रुको मुझे यहाँ पे चॉइस करने दो, तुम तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, तुम यहाँ पे शांति से बैठे रहते हो और खेतीबाड़ी करोगे, यहाँ पे अंकल आंटी के सामने बता सकते हो तुम यहाँ पे साल भर में कितना कमाते हो और यहाँ पे तुम जीजी के लिए वर्थित हो का नहीं। तो मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ क्विनियन इंटरनेशनल का, तो कहता है कि मुझे लगा ही था तुम्हारे जैसा गरीब लड़का यहाँ पे क्या हो सकता है, तुम यहाँ पे शांति से खेतीबाड़ी करो। और यहाँ पे अचानक से रुक जाता है और कहता है क्या चेयरमैन सच में तुम यहाँ पे चेयरमैन हो, और यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे सच में क्विनियन इंटरनेशनल के चेयरमैन हो, कहता है कि मुझे देखने से ऐसा नहीं लगता क्या। और यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे झूठ बोलना बंद करो, वो जो ओल्ड मैन था तुम यहाँ पे वो दे, और यहाँ पे तुम ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे क्विनियन इंटरनेशनल के चेयरमैन कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो और सबको पागल बनाना बंद करो। और पीछे से टीवी में आवाज़ आती है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो चेयरमैन थे वो यहाँ पे उनकी मौत हो गई, इसलिए यहाँ पे नए चेयरमैन आए क्विनियन इंटरनेशनल। हमारे सूत्रों के अनुसार हमको यहाँ पे कल न्यूज़ मिली थी कि यहाँ पे कुछ 19 साल का सुशेंग नाम का चेयरमैन बने क्विनियन इंटरनेशनल, वो आगे क्या कर सकता है और यहाँ पे उसको कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएगा और हम देखेंगे फ्यूचर में वो क्या कर सकता है। और मेन कैरेक्टर की फोटो दिखाई जाती है और कहते हैं कि हम देखते हैं अब आगे क्या होगा, और वो देखते तो सारे के सारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं। और हमारी रिपोर्ट के अनुसार उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू यहाँ पे $130 बिलियन है। और यहाँ पे वो सुनकर तो शाओ चेंग पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पे उसके मुंह से एक शब्द भी निकलता है। और यहाँ पे जीजी के जो पापा होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने नहीं सोचा था तो तुम यहाँ पे सच में चेयरमैन बन जाओगे क्विनियन इंडस्ट्री। मेन कैरेक्टर कहता है कि शाओ चेंग हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर में काम कर सकते हो और यहाँ पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या तुम मेरा फ्यूचर में साथ दोगे, वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगा। पर यहाँ पे दरवाजे के पास पहुँच कर कहता है कि मुझे अभी अचानक से नया काम याद आ गया इसलिए मैं फटाफट से जाता हूँ, मैं तुमको यहाँ पे बाद में मिलूंगा, और वहाँ से भाग जाता है। जी का भाई होता है वो कहता है कि ब्रदर इन लॉ मैंने नहीं सोचा था कि आप पहली बार देखने में यहाँ पे ड्रैगन और फिनिक्स दोनों लगेगी। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा अच्छा आप तारीफ करना बंद करो। तो जीजी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि बास्टर्ड तुम यहाँ पे अपनी तारीफ करना बंद करो, क्या उसके पास पैसे इसलिए तुम इसको ब्रदर इन बुला रहे हो, क्या तुम्हारे पापा मर चुके तुमको यहाँ पे कुछ पता है कि नहीं। यहाँ पे जो जीजी की मदर होती है वो कहती है शाओ चेंग यहाँ पे हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, यहाँ पे इतनी जल्दी क्या है, यार देखा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो चिल्ला रही थी वो यहाँ पे हाथ खींच के बैठ के खाना खिला रही है। मेन कैरेक्टर कहता है अंकल मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस का काम से आया हूँ, क्या ग्रुप और टेंशा ग्रुप के एक साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं। फिर वो कहते हैं क्या जॉक मारा है, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे क्विनियन ग्रुप के साथ कोई डील नहीं कहता, और तुम यहाँ पे मेरे घर पे कैसे आ गए, एक टाइम पे तुम गरीब लड़के हो तो और यहाँ पे आते तो मैं तुमको एक्सेप्ट भी कर लेता, और यहाँ पे तुम चेयरमैन हो क्विनियन इंटरनेशनल के, मुझे पता होता तो मैं तुमको घर में भी नहीं घुसने देता। तो जीजी बोलती पापा आप ऐसा क्यों बोल रही है, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते। तो कहता है कि वो यहाँ पे मेरे पैरों में आगे गिड़ गिड़ाएगा तो भी मैं उसकी मदद करना नहीं चाहता, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पता है कि मैं यहाँ पे क्विनियन इंटरनेशनल के साथ कोई मैं बिजनेस नहीं करता, इसलिए बस उसको ऐसे विजिटर आने दिया है। तो मैन कैरेक्टर हंसते हंसते कहता है कि अंकल कोई बात नहीं, पर यहाँ पे मैंने एक स्पेशल आदमी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था टेंशा और क्विनियन ग्रुप के लिए, और यहाँ पे मुझे कुछ पता चला है। पर यहाँ पे क्विनियन की मदर बोलती ओल्ड बास्टर तुम उसके साथ बिजनेस क्यों करना नहीं चाहते, वो हमारे कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्विनियन के पापा कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तुमने यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन की है। तो मैन कैरेक्टर कहते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की और यहाँ पे मुझे पता चला कि आप और जो मिस्टर जो है वो दोनों जब यंग थे, और यहाँ पे इतना ही बोलते फटाफट से खड़ा होकर मैन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे रूम में चल के बात करते हैं और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगा। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है ठीक है, और
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, पर यहाँ पे अपने मन में कहता है तो यहाँ पे मेरी धोती खुल रहा है। और मैन कैरेक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पे पहले बार देखने में ड्रैगन और फिनिक्स दोनों लग रहे। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपके लड़के और आपकी सोच बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे क्वीनियर और उसकी जो मदर होती है वो सोचती है कि दोनों कर क्या रहे। मैन कैरेक्टर कहता है कि अंकल ये बात सच है, आप यंग थे तब मिस्टर जो की लड़की से यहाँ पे प्यार करते हुए और यहाँ पे उसके लिए बहुत सारे झगड़े भी हुए थे। तो वो कहता है तुम यहाँ पे बंद हो जाओ, तुम्हारी आंटी को पता चला तो मुझे यहाँ पे जिंदा गाड़ देगी। तो यार आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो अगले साथ।